बिसमीम् अल्लाकम स्टूडेंट्स आज मैं आपको सेकेंड ईयर का एसोसिएशन के चैप्टर में यानी कि चैप्टर नंबर फिफ्टीन में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगी और एम सी क्यूज को जी अब इसमें इम्पोर्टेंट एसोसिएशन का बेसिकली मकसद क्या है मतलब क्या है एसोसिएशन होता है दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन कोरलेशन का तो आपको मैंने बता दिया था कोरलेसन जो हमने पिछले फोर्टीन चैप्टर में पढ़ा है वो क्या है एक्स और वाई दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन एसोसिएशन भी है रिलेशन ही लेकिन दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान वो वेरिएबल के दरमियान था और ये दो एट्रीब्यूट के दरमियान दो एट्रीब्यूट क्या होते हैं एट्रीब्यूट वो होते हैं जो चेंज ही होते हैं पर्सन टू पर्सन चेंज होता है लेकिन वो क्वालिटी होती है हम क्वालिटी में मैयर कर रहे होते हैं जिस चीज़ को हम क्वांटिटी में मैयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हाइट हाइट एक पर्सन की ओर है दूसरे की ओर है उसको हम सबको मैयर कर रहे हैं ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल होंगे लेकिन अगर हम कह लें कि हाइट के अलावा कोई ऐसी क्वालिटी को मैयर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आई कलर इसमें ये है इसमें ये है इस, इस पर्सन में ये है तो वो हमारा एट्रीब्यूट होगा यानी कि पर्सन टू तो पर्सन चेंज है हम मैयर कर रहे हैं वो हमारा एट्रीब्यूट है क्योंकि वो क्वालिटी में चेंज को मैयर कर रहे हैं और जो वेरिएबल है वो हम चेंज को मैयर कर रहे हैं किस में क्वानटिटी ठीक है वो क्वांटिटी था और ये क्वालिटी तो क्वालिटी के चेंज को मैं करने को एट्रीब्यूट कहेंगे और दो एट्रीब्यूट्स के कंपैरिजन को या रिलेशन को हम एसोसिएशन कहेंगे क्लियर आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टर्म एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट क्वालिटेटिव जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है जो सिंपल वेरिएबल है वो क्वांटिटेटिव होता है जिसमें हम दोनों में कोरिलेशन मैर करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल हो क्वालिटी खसूसियत या खूबी के लिहाज से वेरिएबल हो तो उसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे अब इसमें लिखा क्या यह अपने डेफिनेशन भी इसकी याद करनी है आ करेक्ट्रिस्टिक विच वेरीज ओनली इन क्वालिटी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इज कार्ड एन एट्रीब्यूट एग्जाम्पल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स आर मैरिटल स्टेटस एजुकेशन लेवल ब्लाइंडनेस स्मोकिंग रिचनेस यानी कि हम किसी भी पर्सन में हम मैरिटल स्टेटस देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं एजुकेशन लेवल ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लाइंडनेस कर रहे हैं स्मोकिंग रिचनेस ब्यूटी एट्सट्रा जब इन क्वालिटीज़ को हम मैं करेंगे तो ये एट्रीब्यूट्स होंगे के अ करेक्ट्रिस्टिक खसूसियत विच वेरीज जो कि चेंज हो रही हो ओनली इन क्वालिटी फ्राम वन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में वो चेंज हो रही हो इस कार्ड एंड एट्रीब्यूट एग्जाम्पल्स इसकी मैंने आपको बता दी हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मैर एन एट्रीब्यूट क्वान्टिटेटिवली एट्रीब्यूट को हम क्वान्टिटी के लिहाज से मैय नहीं कर सकते द कोंटिटी कोट्रीब्यूट मे बी ऑबटेड सिंपली बाई नथिंग इट्स प्रेजेंस आर एबसेंस इन द ऑब्जेक्ट्स एंड देन काउंटिंग दैट हाउ मैनी डू आर डू नॉट पोजेस द एट्रीब्यूट खैर आपने इसकी बस ये Uh, यहाँ तक बेशक आप डेफिनेशन इसकी याद कर लें शुरू से लेके नेक्स्ट क्लास एंड क्लास फ्रिक्वेंसी ये जस्ट एक बार रीड करना है अ क्लास इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच विच आर शेयरिंग अ गिवन करेक्टरिस्टिक अ क्लास फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्लास ठीक है क्लास फ्रिक्वेंसी वो होती है जो कि हम ऑब्जर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं क्लास में ये जैसे एक बार रीड करने के लिए था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये भी जस्ट आप रीड कर लें द ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कम्प्लीमेंट्री क्लासेज अकॉर्डिंग टू वेदर द ऑब्जेक्ट्स डू आर डू नॉट पोजेस अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट दिस uh, process of driving ड्राइविंग this process of dividing the objects into two mutually exclusive classes is called dichotomy ये है आप एक बार जस्ट रीड कर लें इसमें ऐसा कोई याद करने वाली चीज़ नहीं याद करने वाली यही एट्रीब्यूट्स हैं इसमें और नेक्स्ट हम देखेंगे जी अब इस पेज पे आ जाए नेक्स्ट पेज पे आपका ऑर्डर ऑफ क्लास ऑर्डर ऑफ क्लास किसको कहते हैं एन को कहते हैं तादाद को ये आपने एक बार रीड कर लें नेक्स्ट आपका ये वाला टेबल आपको आना चाहिए ये टेबल इसमें आपको पता ना यहाँ a एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है और यहाँ पे बी एट्रीब्यूट से रिलेटेड होता है बी एंड यहाँ पे बीटा बी एट्रब्यूट से रिलेटेड बी एंड बीटा और एट्रीब्यूट से रिलेटेड ए एंड अल्फा ये हमारे आ गए और यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा ए और बी ब्रैकेट में हम लगा देंगे इस जगह पे क्या आएगा ए एंड बीटा ब्रैकेट में लगा देंगे इस जगह पे क्या आएगा अल्फा बी ब्रैकेट में लगा देंगे इस जगह पे अल्फा बीटा ये ब्रैकेट में आ जाएगा और ए के बिल्कुल सामने टोटल में ए ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा के बिल्कुल सामने टोटल में अल्फा ब्रैकेट में आ जाएगा बी के सामने सामने नीचे बी आ जाएगा ब्रैकेट में और बीटा के सामने बीटा आ जाएगा ब्रैकेट में ये टेबल का किस किस जगह पे क्या क्या चीज है ये आपने याद करना है जुबानी नेक्स्ट आपका ये है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी जस्ट एक बार रीड कर लें नॉट टू मच टू लर्न कंसिस्टेंस ऑफ डेटा ये आप देख लें द क्लास फ्रीक्वेंसीज दैट हैव बीन इन वन आर द एंड द सेम पॉपेशन आर सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ़ दे कन्फर्म विद वन एंड अदर एंड डू नाट कन्फ्लिक्ट अदर ये uh, एक जस्ट रीड कर लें इंडिपेंडेंस ऑफ एटीट्यूट ये इंपॉर्टेंट है कि ए बी ए बी ये किसके बराबर होते हैं यानी कि ए बी कैसे फाइन करना है प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसिंग ये इसके फार्मूलास हैं और ये रिलेशन है इंडिपेंडेंट एटीट्यूट्स का यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में बताना ना क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए और बी इंडिपेंडेंट कब हैं या कैसे हैं तो हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर हमने रखना है ए बी डिवाइड में एन ये जब ब्रैकेट लगा दी जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ए बी ये जो है ना इसकी तादाद ब्रैकेट का मतलब है किसकी तादाद डिवाइड में टोटल तादाद बराबर ए की तादाद डिवाइड में टोटल तादाद मल्टीप्लाइड बाई बी की तादाद डिवाइड में टोटल तादाद तो ये फार्मूला बेसिकली है ए और बी दोनों की इंडिपेंडेंस चेक करने का यानी कि अगर हमें देखना है ना कि दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट uh, हैं या नहीं ए बी दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ना ये बी तो हमने ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी कहीं लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ जाए लाइट राइट हैंड साइड के इट मींस के दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं ये क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट चेक करके बताएं जी नेक्स्ट आपके पास ये एग्जांपल्स हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आप करें सॉल्व कोई इशू है तो आप मुझे पूछिए मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी नेक्स्ट ये है एसोसिएशन ऑन ऑफ एट्रीब्यूट्स एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होती है यहाँ तक तो एट्रीब्यूट्स तो मैंने आपको समझा दिए कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स कैसे हम फाइंड करेंगे एसोसिएशन ऑफ़ एट्रीब्यूट्स कैसे निकलेगी जी टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेट टू बी एसोसिएटेड एसोसिएटेड मतलब को रिलेशन मौजूद है रिलेशन मौजूद है इफ़ दे नॉट इंडिपेंडेंट अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका ये मतलब है ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई एन इंडिपेंडेंट होना और एसोसिएशन होना बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ें हैं ठीक है थेके? और एसोसिएशन मतलब रिलेशन है इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद उनमें कोई रिलेशन नहीं है तो नॉट इंडिपेंडेंट मतलब रिलेशन है इंडिपेंडेंट का मतलब आज़ाद है लेकिन नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है आज़ाद नहीं है यानी कि रिलेशन है एसोसिएटेड का मतलब है कि नॉट इंडिपेंडेंट यानी कि रिलेशन है रिलेशन है और इंडिपेंडेंट आपको पता ना इन दोनों के इक्वल होने से होता है तो ये नॉट इक्वल है ना तब वो आपस में एसोसिएटेड है उनमें कोई ताल्लुक है रिलेशन है जब नॉट इक्वल आ जाए यानी कि आपसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके एसोसिएशन फाइंड करें आप पहले बताएंगे कि, कि वो इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट यानी कि ये इक्वल है इसके या नहीं है अगर तो इक्वल आ जाए तो आप एसोसिएशन फाइंड कर ही नहीं सकते अगर नॉट इक्वल आए फिर आपने आगे एसोसिएशन की तरफ मूव करना है कि पॉजिटिव एसोसिएशन है कि नेगेटिव एसोसिएशन अब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या है क्राइटेरिया इसी इक्वेशन में अगर ये वाली साइड ग्रेटर आ जाए ना इस वाली साइड से राइट right साइड से इट मीन्स आपका जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं उनमें पॉजिटिवली रिलेशन है द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड आर सिंपली एसोसिएटेड इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए बी डिवाइड बाय एन नेगेटिव इसमें कैसे आ जाए कि नेगेटिव एसोसिएशन में लेस का साइन आ जाएगा कि दिस वन इज़ लेस देन दिस वन

जी अब इसमें कम्प्लूट कम्प्लीटली कम्प्लीट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कब होगी अगर तो इक्वल दोनों आ जाए तो इट मीन्स ये आपस में ए और बी बराबर आ जाएँ या ए लेस देन बी आ जाए बी लेस देन ए आ जाए तो ये मैं एक बार रीड आपके सामने करती हूँ देर विल बी कम्प्लीट आर परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इफ वन ऑफ देम कैन नॉट अकर विदाउट द अदर दो अदर में अकर विदाउट द वन यानी कि एक दूसरे के बगैर जब ये अकर नहीं हो सकते तो उसमें हम कंप्लीटली परफेक्ट रिलेशन कहेंगे इसको नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक के आपको पहले मैंने इंडिपेंडेंस का बताया कि दो एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट कब होंगे जब वो इक्वालिटी होल्ड uh, करेगी अगर तो इंडिपेंडेंट नहीं है इक्वलिटी की जगह यानी कि इक्वल नहीं है तो फिर एसोसिएशन है यह तो पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है वो क्राइटेरिया भी आपको बताया कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन जिसमें कोफिशियंट ऑफ को रिलेशन पिछले चैप्टर में हमने फोर्टीन चैप्टर में फाइंड किया है तो कोफिशियट ऑफ एसोसिएशन हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए हम ये फार्मूला क्योंगा यूज़ करेंगे ये हमें याद करना है बहुत ही ईजी फार्मूला है ऊपर भी सेम चीज़ें हैं नीचे भी सेम बस ऊपर माइनस है नीचे प्लस कैसे ए बी यानी कि ए बी जो फुल बड़े लेटर्स हैं ए बी और अल्फा बीटा ठीक है फिर ऑपोजिट ऑपोजिट ए बीटा एंड अल्फा बी समझ आ गई होगी आपको कि इटालियन में ये लिखे हुए हैं और ये फुल कैपिटल लेटर्स हैं और ये दोनों आपस में मिक्सचर हैं और डिवाइड में भी वही लेंगे ऊपर माइनस नीचे प्लस अब ये क्यू का आंसर पे डिपेंड करता है कि क्यू का आंसर क्या आया है और हमने इसको इंटरप्रेट करना है दिस कोफिशियंट लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन अब आर आर के बारे में भी आपको पता ना फोर्टीन चैप्टर में आर भी माइनस वन से प्लस वन की ही रेंज थी देखिए आर का आंसर माइनस वन हो सकता है उसके दरमियान जीरो हो सकता है जीरो के करीब वैल्यू हो सकती है प्लस वन हो सकती है और सेम पैटर्न पे क्यू है क्यू इसको टू जीरो का मतलब है कि द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट दोनों आज़ाद हैं अगर तो क्यू जीरो चूँकि एसोसिएशन रिलेशन को मैयर करती है ना तो ये इसका जीरो होने का मतलब है कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता इट मीन्स टू एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं क्योंकि वन होने का मतलब है कि टू टू एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड यानी कि दोनों क्यों अगर वन आ गया इट मीन्स दोनों में बहुत गहरा रिलेशन मौजूद है क्यों माइनस वन आ जाए तो इट मींस टू एट्रीब्यूट्स आर कम्प्लीटली डिसअसोसिएटेड उनमें कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है ये एग्जाम्पल्स हैं ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं नेक्स्ट आपकी ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है और इसमें मैंने ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे आपको निशान हाईलाइटेड लगाए हैं कि स्मार्ट सिलेबस में आपके ये आएंगे नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर टू ट्वेंटी थ्री पे टू डायमेंशनल कम डाटा क्वान्टिजेंसी टेबल इसको बोलते हैं ये क्वान्टिजेंसी टेबल आपको आना चाहिए कि इस साइड पे ए लिखा है इस साइड पे बी अब यहाँ पे ए वन ए टू सो ऑन ए आई दरम्यान में ए आर तक जा रहा है बी वन बी टू सो ऑन बी सी तक जा रहा है और इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे लिखी हैं और उसको से डिनोट करेंगे ये सारा टेबल आपको बहुत अच्छी तरीके से बनाना आना चाहिए नेक्स्ट ये तो एक्सरसाइज आपको पता है कि ये आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन इसमें पीछे एक थी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो आपको डेफिनेशन के लिहाज से या फार्मूले के लिहाज से पूछा जा सकता है कि कोफिशियंट ऑफ कॉन्टीजेंसी क्या है कोफिशेंट ऑफ कॉन्टीजेंसी इज अ मैयर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ जिसे कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन पीछे पड़ा है क्यू से डिनोट रहा है तो कोफिशेंट ऑफ क्वटीजेंसी क्या है ये मैं आपको इसका फार्मूला बता देती हूँ ये है इसका फार्मूला पेर्सन कोफिशियंट ऑफ मीन स्केर क्वान्टिजेंसी ये इसका फार्मूला है सी इसको डिनोट करेंगे सी इज इक्व टू अंडर रूट पाई केयर डिवाइड बाई एन प्लस पाई केयर ठीक है और सी की रेंज ये है सी जीरो से लेके इस रेंज के अंदर अंदर लाइक कर सकता है क्यू रिप्रजेंट्स द नंबर ऑफ रोज आर नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है क्यू उसको डिनोट करेगा विच एवर इज स्मॉलर जो छोटा होगा रोज आपको पता ना इस तरह से ये रोज़ होती हैं ये कॉलम है तीन इसमें और इसमें चार रोज़ हैं तो छोटी तादाद चार रोज हैं तो है और तीन कॉलम है तो तीन छोटा है ना तो कॉलम छोटे हैं तो क्यों हम यहाँ पे थ्री लेंगे यानी थ्री माइनस वन टू, टू टू ओवर थ्री आ, कैलकुलेट करके आप अंडर रूट ले लें तो यहां पे जो भी फिगर आ जाएगा जीरो से लेके उस फिगर तक सी की रेंज बन जाएगी सी का ये फॉर्मूला है सी को कहते क्या है कोपिशियट ऑफ क्वानी बस आप इतना ही इसमें कर लें इनफ है नेक्स्ट आज आप रैंक कोरिलेशन जी रैंक कोरिलेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि कोरलेशन सिंपल कोरलेशन तो आपने पीछे पढ़ ली है रैंक कॉलेशन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है द कोरलेशन बिटवीन रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर बोथ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई इज कॉल्ड रैंक कोरलेशन स्पेशल केस यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जब हम रैंक्स ऑफ इंडिविजुअल्स के दरमियान हम कॉरलेशन को मैयर करते हैं तो वो रैंक कॉरेशन होती है अ स्पेशल केस ऑफ कोर्लेशन इज़ वेन बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई कंसिस्ट सेट्स ऑफ रैंक्स जब वो रैंक्स उनको आ, उनके मौजूद हों तो हम उसमें रैंक लगाते हैं हाँ बस यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लें इनफ होगी यहाँ तक और साथ उसके एग्जाम्पल आप ये डाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल दैट टू जजेस हैव रैंक द सेम सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू समेक्ट्रिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट ये आप इसकी कर सकते हैं ठीक है यहाँ से इसकी एग्जैम्पल कर सकते हैं नेक्स्ट ये रैंक का फार्मूला है ये आपको आना चाहिए आर आर से डिनोटे इसको किया जाता है इज इक्वल्स टू वन माइनस सिक्स डी स्केयर ओवर एन इन टू एन स्केयर माइनस वन जी नेक्स्ट इसमें आर आर की uh, कह लें कि रेंज क्या है माइनस वन टू प्लस वन इसकी रेंज है दिस फार्मूला इज कार स्पेसमैन कोफिशेंट ऑफ रैंक कोरिलेशन इसको हम स्पेसमैन कोफिशियंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कहते हैं और इन द ऑनर ऑफ चार्ल्स एडवर्ड स्पेसमैन और इसने कह लेंगे इसको बनाया है आपसे ये एम सी उसमें पूछा जा सकता है कि नेक्स्ट स्पेसमैन रैंक कोलेशन कोफिशंट इज इक्वल टू पेसन जी अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसमैन रैंक कोलेशन कोफिशेंट इज इक्वल टू पेसन प्रोडक्ट मोमेंट कोलेशन कोफिशंट कंप्यूटेड फॉर रैंक्स रैदर देन द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन जी अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे रैंक कोरिलेशन और जो सिंपल कोरिलेशन फाइंड करते हैं दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अगर यानी कि आप ये फार्मूला ना भी लगाएं ना पिछले वाला ये फार्मूला लगाए लेकिन रैंक्स पे लगाएं रैंक्स पे फार्मूला लगाएं पिछले वाला ही तो दोनों कह लेंगे बराबर होंगे उसके बाद ये एग्ज़ैम्पल्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है और इसका तरीका मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का बताया है नेक्स्ट मैं आपको इसकी एम बताने लगी हूँ कि एम हमने कैसे करने हैं एम सी क्यूज पे आ जाएँ फिफ्टीन पॉइंट फोर एक्साइज है अ करेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वान्टिटी फ्राम क्वान्टिट्टी आपको पता ना मकदार होती है फ्राम वन इंडिविजुअल टू अनदर मकदार में चेंज आपको पता है वेरिएबल होता है अ करेक्टरिस्टिक विच वेरीज इन क्वालिटी क्वालिटी में चेंज एट्रीब्यूट होता है द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ऑब्जेक्ट्स रिगार्डिंग एंड एट्रीब्यूट आर क्वालिटेटिव कॉल्ड डैश डाटा द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन ऑब्जेक्ट्स रिगार्डिंग एंड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट से रिगार्डिंग जब हम कह लेंगे ऑब्जर्वेशन बनाएंगे तो वो क्वालिटेटिव डाटा से हम बनाएंगे डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट्स इंटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेज ऑफ एन एट्रीब्यूट डिकोटोमी डिकोटोमी कह लेंगे एक प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइड करते हैं ऑब्जेक्ट्स को इनटू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो आपस में मैच नहीं कर रहे हो ओवरलैप नहीं हो रहे हो एट्रीब्यूट्स क्लासेस ऑफ एन एट्रीब्यूट्स के डिकोटोमी होता है इसका नाम द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स आपको पता है वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को क्या कहते हैं को रिलेशन और द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन को क्या कहते हैं एसोसिएशन ये मैंने वेरिएबल और एट्रीब्यूट का बहुत क्लियरली आपको सेपरेट बता दिया है कि ये क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी अब ये अगर स्टेटमेंट हो ए बी इज इक्वल टू ए बी ओवर एन तो ये इंडिपेंडेंट होंगे ना दोनों एट्रीब्यूट्स टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और अगर नॉट इक्वल आ जाए तो इट मीन्स ये इंडिपेंडेंट uh, नहीं है या एसोसिएटेड इसको हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटेड है नेक्स्ट टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर डैश एसोसिएटेड पॉजिटिवली एसोसिएटेड इफ अगर ग्रेटर आ जाए यहाँ पे साइन ग्रेटर आ जाए तो पॉजिटिवली एसोसिएटेड लेस आ जाए तो नेगेटिवली एसोसिएटेड द कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन जिसको हम Q से डिनोट करते हैं इज अ मैयर ऑफ़ एसोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स अब आपको पता है ये एट्रीब्यूट्स के दरमियान मयर को एसोसिएशन का वर्ड कहते हैं इफ़ द कोफिशियट ऑफ एसोसिएशन इक्वल जीरो अगर एसोसिएशन जीरो के बराबर होने चाहिए यानी कि रिलेशन जीरो है द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट तो आपको पता है वो इंडिपेंडेंट होंगे यानी कि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो वो आजाद हैं दोनों आपस में द इफ द कोफिशियट ऑफ एसोसिएशन इज नॉट रिक्वेस्ट टू जीरो अगर जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं यानी कि एसोसिएशन और इंडिपेंडेंस ये दोनों सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं एसोसिएटेड के रिलेशन मौजूद है इंडिपेंडेंट के कोई रिलेशन नहीं आज़ाद है इफ़ द कोफिशियंटोशिएशन इक्वल्स माइनस वन अगर ये माइनस वन की वाला आ जाए यानी कि क्यू ये कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन क्यू का आंसर माइनस वन आ जाए इट मीन्स टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर कम्प्लीटली डिसअसोसिएटेड कोई उनमें कोई रिलेशन मौजूद नहीं है प्लस वन आ जाए तो कम्प्लीटली एसोसिएटेड उनमें स्ट्रॉन्ग रिलेशन मौजूद है आर डैश टेबल कंसिस्टिंग ऑफ आर रोज एंड सी कॉलम्स इज मेड अप ऑफ द ऑब्जर्व रिलेटेड टू टू एट्रीब्यूट एंड देर कैटेगरीज तो क्वान्टिजेंसी टेबल ही है एक क्वान्टिजेंसी टेबल ये जितनी भी मैं आपको एम सी क्यू से रिलेटेड पढ़ रही हूँ इंपॉर्टेंट हैं आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करें आपको आ सकते हैं पेपर में द टू एट्रीब्यूट आर सेड टू बी डैश इफ फॉर एवरी सेल ऑफ अ कॉन्टीजेंसी टेबल द ऑब्जर्व फ्रीकुन्सी जीरो इज इक्व टू एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ई तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कवर्ड आ जाएगा फॉर एन आर क्रॉस सी कॉन्स्टिटेंसी टेबल द काइस्र स्टैटिस्टिकिग्रीज ऑफ फ्रीडम वी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको पता है आर माइनस वन सी माइनस वन के बराबर होता है द लार्जर आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीकुंसिज द लार्जर बी द वैल्यू ऑफ काइस्कियर विच लीड्स टू द रिजेक्शन ऑफ एश नॉट नॉट की रिजेक्शन बनता है द रिजेक्शन ऑफ एश नॉट ऑफ इंडिपेंडेंट

एन अदर इज़ कार्ड एट्रीब्यूट तो उसको हम एट्रीब्यूट कहें नहीं क्वान्टिटी मिकदार के लिहाज से तो वो हो वेरिएबल होता ये है ये फॉल्स है द क्वान्टिटी एंड डेटा रिलेटेड टू एन एट्रीब्यूट मे बी ऑब्टें सिंपली बाई नथिंग इट्स प्रेजेंस आर एबसेंस इन द ऑब्जेक्ट्स जी ऐसा भी हो सकता है कि एट्रीब्यूट है ना क्वालिटी के उसकी आई कलर ब्लू है या नहीं है यानी कि उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस से भी आप उसको मैयर कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर इनके एट्रीब्यूट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं एंड देर एब्सेंस को हम ग्रीक लेटर से जी ये ट्रू है जो ए बी कैपिटल लेटर्स है ना उनको हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये क्वालिटीज़ में मौजूद है ठीक है आई कलर कलर्ड आई उसका ब्लू है तो इस मीन्स हम कैपिटल से डिनोट करेंगे और ब्लू कलर नहीं है तो उसको हम ग्रीक या स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे जिसको हम और बीटा कहेंगे जी ये ट्रू है द क्लास फ्रिक्वेंसी ऑफ द हाइएस्ट ऑर्डर आर कॉल्ड अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी जी ऐसा ही है द क्लास फ्रिक्वेंसी हाइएस्ट ऑर्डर की हो तो उसको हम अल्टीमेट क्लास फ्रिक्वेंसी कहेंगे और लास्ट पेज है हमारा द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी असोसिएट इफ ए बी इसके बराबर हो जी नहीं इसके बराबर हो तो इट मीन्स इंडिपेंडेंट है एसोसिएटेड नहीं है इंडिपेंडेंट लेस हो तो आपको पता है कि वो नेगेटिवली एसोसिएटेड होता है ये पॉजिटिव लिखा है तो इट मीन्स फॉल्स द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर डिनोटेड बाई आर इज अ मईर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ट्रू कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है द कोफिशियंट ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाई क्यू इज़ अ मैयर ऑफ़ असोसिएशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स ये भी ट्रू है कि जो क्यू है वो दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन को मैयर करता है द कोफिशेंट ऑफ एसोसिएशन लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन के दरमियान लाई करता है अ कॉन्टिजेंसी टेबल कंसिस्टिंग ऑफ़ आर रोज एंड सी कॉलम्स इज मेड अपर्व फ्रिक्वेंसी रिलेटेड टू टू एट्रीब्यूट्स जी ये भी ट्रू है कि कॉन्टीजेंसी टेबल में आर ओ सी दो रोज एंड कॉलम्स मौजूद होते हैं दिस असोसिएशन ऑफ टू एट्रीब्यूट्स मीन्स देअर इंडिपेंडेंस कि इनकी इंडिपेंडेंस को शो करेगी डिसोसिएटेड अगर उनका कोई रिलेशन नहीं है तो इट मींस वो इंडिपेंडेंट नहीं है ये शो करेगी नहीं ये भी गलत है दिसर ऑफ दिस क्रीपेंसी बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इज कार्ड काइसियर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस को हम कहेंगे द वैल्यू ऑफ ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगी और ये दोनों इसकी रह गई हैं द लार्जर आर द डिफरेंसिज बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज द लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ काइस्क विच लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ फेस नॉट ऑफ इंडिपेंडेंस द रिजेक्शन आफ एस नॉट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिकेट्स दैट टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन आर एसोसिएटेड जी ये इनमें से कुछ जिस ये जिस लास्ट टू हैं ये आपसे आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके सिलेबस में आती ही नहीं है तो जो आती हैं वो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है आई होप आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी एसोसिएशन का एक चैप्टर रह गया था डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन में और एम सी uh, करने में तो मैंने ये समझा दिया फिर भी आपको कोई इशू है कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मुझसे पूछिए मैं आपको इसका आंसर करूँगी थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़